तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सूजी के गुलाब जामुन। वैसे तो आपने कई तरह से गुलाब जामुन बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मिक्सी में। जी हाँ दोस्तों, मिक्सी में सूजी के गुलाब जामुन। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ सिरप बनाकर तैयार कर लेते हैं। 2 कटोरी मैंने यहाँ चीनी ली है और हम जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। तो यहाँ 2 कटोरी पानी को हमने उबलने रख दिया है। हाई फ्लेम पर हम इनको फटाफट से पहले तो एक उबाल ले लेते हैं। तो ये देखिए पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हमें इसका एक चिपचिपा सा सिरप बनाकर तैयार करना है। फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने इलायची डाल दी है और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। केसर के धागे डालना टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो वाला। अब यहाँ हमारी चाशनी में अच्छा खासा उबाल आ गया है और इसको मैंने 2-3 मिनट और उबाल लिया है। ये देखिए जब हाथ में लेंगे हल्का सा चिपचिपापन लगेगा तेल की तरह, मतलब कि हमारा सिरप बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढक कर रख देते हैं। अब यहाँ मैंने 1/2 कप ली है सूजी। तो सूजी अगर आपके पास बारीक वाली हो तो ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ दूध पाउडर लेंगे यानी मिल्क पाउडर। ये 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच हम यहाँ कॉर्न स्टार्च ले लेंगे। 1 चम्मच ले लिया है मैदा। अब इसमें हम एक खास चीज़ डालेंगे, वो है शुद्ध घी। तो 2 चम्मच हम यहाँ शुद्ध घी लेंगे क्योंकि हमने यहाँ जितनी भी चीज़ ली है इसमें किसी में भी फैट नहीं होता है और गुलाब जामुन के लिए थोड़ा फैट यानी थोड़ी चिकनाहट ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब हम लेंगे मिक्सी का जार। तो इस मिक्सी के जार में ही हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे। तो यहाँ आपकी एक दिक्कत ख़त्म हो जाएगी कि अगर आपके पास बड़ी वाली यानी मोटी वाली सूजी है ना, तो आप उसको भी इस मिक्सी के जार में जब हम पीसेंगे ना तो बिल्कुल महीन हो जाएगी, बढ़िया सी हो जाएगी। सारी चीज़ें डाल ली हैं, अब लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें घी और इसको हम चला लेंगे। तो 2 से 3 बार हमने इसको अच्छी तरह से चला लिया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल गई हैं आपस में और जो हमारी सूजी थी वो भी एकदम महीन हो जाएगी, इसमें अच्छी तरह से पिस जाएगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ हम लेंगे 1 पैन में दूध। तो यहाँ मैंने 1.5 कप दूध लिया है। जिस कटोरी से हमने और सामान यानी सूजी वगैरह का नाप किया है उसी से लिया है। गैस का फ्लेम हमने अभी बंद रखा है और जो हमारा मिक्सचर हमने मिक्सी में पीसा था उसको डाल देंगे इसमें और सारे दूध में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, मतलब गर्म या ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा फूड कलर जो हम लड्डुओं में डालते हैं ना वो डाला है। इससे क्या होगा, हमारे जो रसगुल्ले हैं उनका कलर अंदर से भी बहुत अच्छा आएगा। लो फ्लेम पर हमें इनको बिल्कुल लगातार चलाते रहना है, कोई भी गांठ कोई भी कुछ गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह हम स्पैचुला को चलाते हुए सारी गुठलियाँ अगर पड़ भी रही होंगी तो फोड़ते जाएंगे और अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा सख्त नहीं करना है, हल्का सा मुलायम ही रहना चाहिए। तो ये डो हमारा बनकर रेडी हो गया है अच्छी तरह से। ये देखिए कढ़ाई को छोड़ दिया है इसने, बस इसको इतना ही पकाना है हमें। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम डो को ही हमें बहुत अच्छी तरह से मसलना है। इतना गरम है अभी डो तो हम हाथ तो लगा नहीं सकते इसमें, तो हमने जो स्पैचुला या हम जो झरिया लिए हैं उसी से इसको अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे। इस मैश करने से क्या होगा कि जो हमारा डो है वो एकदम नरम हो जाएगा, बिल्कुल मावे की तरह। तो जब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे तो बाद में देखिए बिल्कुल मावे की तरह इसका टेक्स्चर हो जाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप चाहें तो इसको हाथ से भी अच्छी तरह से मेड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैं मावा को यानी कि सूजी को पास से दिखाती हूँ, एकदम हो गई है ना बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट, बिल्कुल मावे की तरह दिख रही है। तो इसी तरह से हमें इसको कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मसलना है। अब सूजी थोड़ी ठंडी हो गई है कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, तो हाथ से भी हम थोड़ी इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, एक सा कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा एक लोई तोड़ लेंगे और ये पूरी लोई अभी हल्की सी गर्म है तो उसको ढाँक देंगे और इस छोटी सी लोई को हम अपने तेल में थोड़ा फ्राई करके देखेंगे। इसमें देखिए कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे। मैंने तेल को पहले ही बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म होने रख दिया था। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि हम जब इसमें रसगुल्ले डालेंगे तो ये हल्के से बबल्स आने चाहिए। तेल को बहुत हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर
हम तेल को बिल्कुल इस तरह हिलाते रहेंगे और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपके यहाँ रसगुल्ले थोड़े क्रैक हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड कर दीजिए। बढ़िया सा हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लिया है। ये देखिए कहीं से कोई क्रैक्स नहीं आया है, पिचका नहीं है, एकदम बढ़िया सा हमारा सूजी का रसगुल्ला बन गया है। इसका मतलब हमारा बैटर एकदम बढ़िया है। अब हमने सारे लोइयां बना ली हैं, छोटे बड़े जैसा चाहें आप अपने मन चाहा से बना सकते हैं। तो एक बार में जितने तेल आपने लिया है उसी हिसाब से इसमें लोइयां डालिए। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर तेल को बढ़िया हिलाते हुए, या आप चाहें चम्मच से इस तरह से भी तेल को इसमें डालते रहिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए, और इसको इस तरह से घुमाते रहिए। इस तरह से क्या होता है, रसगुल्ले चारों तरफ से एकदम बढ़िया सिकते हैं। वरना अगर आप तेल को हिलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो वो एक तरफ से नीचे से तो सिक जाएंगे और ऊपर से वाइट यानी कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे सूजी के रसगुल्ले लो फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिए हैं। हमारी चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो उसको हल्का कुनकुना कर लीजिए, यानी हल्का सा गर्म कर लीजिए। सारे रसगुल्लों को हम इस तरह से इसी में डिप करते जाएंगे चाशनी में। और मैंने आगे और भी हमारे जो बचे थे रसगुल्ले वो उनको अच्छी तरह से सेक लिया है। तो कुछ बड़े और कुछ छोटे सूजी के रसगुल्ले मैंने यहाँ बनाए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये सूजी के रसगुल्लों की रेसिपी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने एक घंटे के लिए सारे रसगुल्लों को डिप करके रख दिया था। एक घंटे बाद ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट हमारे सूजी के रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।